सीएम हेल्पलाइन में सरपंच की शिकायत करना पड़ा महंगा। परिजनों ने सरपंच पर लगाया कट्टे की नोक और अपहरण करने का आरोप। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलहान का मामला प्रकाश में आया है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच यशवंत सिंह के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में किए थे, जिस पर सरपंच बौखलाकर पिताजी को कट्टे की नोक पर उठा लिए हैं। पीड़िता अर्चना तिवारी पति रामपति तिवारी उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम पिपरी पोस्ट पलहान थाना बैकुंठपुर। पीड़ितों ने बताया कि अपने घर अपने पति रामपति तिवारी तथा बच्चों के साथ रात्रि 8 बजे खाना खा रहे थे, तभी यशवंत सिंह पिता हंसराज सिंह निवासी पिपरी थाना बैकुंठपुर वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत रामपति तिवारी के मोबाइल पर फोन करता है। जैसे ही फोन को रिसीव किया वैसे ही सरपंच गालियां देना शुरू कर दिया। पीड़ित ने फोन के माध्यम से ही इस बात का विरोध किया कि गाली देने से मना किया तो आरोपी आकर घर के अंदर घुसकर मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी दिए और साथ ही धमकी दिए कि घर का बाहर से दरवाजा बंद करके पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि सरपंच के गुंडे मेरे पिताजी को बंदूक की नोक पर कल रात्रि में अपहरण कर लिए हैं, जिनका आज दिनांक तक कोई पता नहीं चला। साथ ही आरोपियों के द्वारा जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। प्रयाग एसपी न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। जो हमारे पापा से झगड़ा हुआ है वो गाँव के सरपंच है और वो ने पापा ने कागज़ बनवाना था समर आईडी का, वो इनका नाम जुड़ा था रहीश तिवारी का, तो उसमें से है उनके भतीजे का नाम जोड़ दिया गया। तो पापा ने बोला हमारे बच्चे का नाम जोड़ो, तो वो ने उसने बोला पहले पैसा लाओ इसके बाद मैं आपका नाम जोड़ूँ। पापा ने पैसा देने से मना किया, उनके हम लोग गरीब लोग हैं। तो पापा ने 181 में कॉल 81 को कॉल किया और शिकायत की कि हमारा कागज़ नहीं बनवाया जा रहा है। उस इसके वजह से वो लोग आए कल, तो पापा के ऊपर हमला किए, पहले फ़ोन किए, फ़ोन से बात हुई और गाली देने लगे। गाली देने के बाद वो राकेश थे सरपंच थे और एक उनके भाई भी थे दिलराज सिंह, तो उसने बोला आ मादरचोद निकल, मतलब गाली देने लगे, गंदी गंदी हम लोगों को गाली दिए और हमारे पापा को उठा के लेके गए। कहाँ मारपीट हुई, किस पे मारपीट? हमारे अब पता नहीं, पापा को ग्राम पिपरी का थाना बैकुंठपुर और आरोप है कि सरपंच के द्वारा आपके पिताजी को उठा लेके। हाँ, ये बताइए थाने आप गई थी क्या? जी गए थे सर, तो भगा दिया। आप लोग थाने गई थी क्या? हाँ। क्या बोले थाने में? थाने नहीं, 100 नंबर को मेरा भाई ने कॉल किया और उनको बोला, तो वो सरपंच ने उनको मना कर दिया आने से जब झगड़ा हो रहा था। जब ये लोग चले गए तब वो लोग पुलिस लोग आई, पुलिस लोगों ने बोली आप लोग चलिए रिपोर्ट दर्ज कराइए। तो हम लोग बोले शाम का टाइम है और 10 बज चुके थे, 11 बज चुके थे, तो हम लोग बोले हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, मम्मी अकेली थी, हम भी अकेले थे, हमारे पास वाहन नहीं था कि हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। एक बार ले जाने के लिए वो बोले अब दोबारा कैसे आती, इसके लिए हम लोग नहीं गए। तो इसमें से मैं यही चाहती हूँ कि पापा का हमारे पता करे कि कहाँ है। पापा भी आपके घर नहीं आए हमारे, कल से जब से झगड़ा हुआ और बंदूक दिखाए हैं, बोले मैं गोली मार दूंगा और जान से मार दूंगा। हाँ, घर से, हाँ हम लोग के सामने। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, अभी उनका कुछ पता नहीं है। थाने में आज सुबह गई थी? नहीं गए थे। हाँ गए थे मगर भगा दिए, वहाँ से भगा दिए हैं। क्या बोले? बोले यहाँ दर्ज नहीं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, इसीलिए हम लोग आए हैं। एसपी कलेक्टर ऑफिस, एसपी साहब मिली हैं आप? अभी नहीं मिले। हाँ, क्या बोले? कल से हम लोग भूखे प्यासे ऐसे ही हैं। ठीक है, एक इनका बर्गन लीजिए। मारपीट हुई, कैसे, क्या घटना है, किस तरह से? सर ये हमारे पिताजी 181 में है कॉल किए थे इनका कंप्लेन करने के लिए। ये लोग घर आए, बोलते हैं गाली देकर, बोलते हैं तू बहुत बार कंप्लेन कर रहा है, तेरे को आज मैं बताता हूँ, तेरे घर के अंदर घुस कर तेरे परिवार को जला कर राख कर दूंगा, सबको मार के पेट्रोल में डालकर सबको जला दूंगा घर अंदर, सबको पूरे परिवार सहित। और बोलते हैं कि ना मेरा पुलिस वाला कोई कुछ कर पाएगा, ना मीडिया वाला कोई कुछ कर पाएगा, ना एसपी ऑफिस कुछ कर पाएगा, कहीं तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी साहब, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं साहब। हमारे पापा को
ठीक है आराम से बोलिए नहीं तो बोल जाएगा। हमारे पापा को छुड़वाए, हम इसलिए वापिस आए हैं साहब, और कट्टा दिखा कर गए हैं साहब, बोले कि जो कोई जाएगा उसको मैं मारूंगा। आपके पापा का फिर कल रात से साहब, अभी तक कुछ पता अभी तक कोई कुछ पता नहीं चला सर। कितने लोग आए थे घर आपके? सर 7 लोग आए थे सर। हाँ, में थे? सर, दो और एक फोर व्हीलर थी, दो गाड़ी थी। कौन है ये? सरपंच है और सिक्रेटरी है, सरपंच के भाई दिलराज सिंह। नाम है सरपंच का? सरपंच का नाम यशवंत सिंह है, उनके ग्राम पिपरी है और थाना बैकुंठपुर है, और उनके भाई का नाम दिलराज सिंह है, सिक्रेटरी राकेश कुशवाहा है, उनके साथ मोतीलाल विश्वकर्मा और गोलू विश्वकर्मा, राबेंद्र तिवारी, सब लोग ये थे सब साथ में सर। अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। और विजेश तिवारी थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रहीश कुमार तिवारी है।